नमस्कार, मैं रोहित, आप देख रहे हैं बिहारी कलम। आप देख रहे होंगे कि कुछ दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो बातें चल रही है, जो विवाद चल रहा है, जिसपे कमेंट किया जा रहा है, मजाक बनाया जा रहा है आदि पुरुष को लेकर। आदि पुरुष आप भी देखे होंगे और जो लोग नहीं देखे होंगे वो भी देख लें, कैसे हमारी आस्था के साथ, हमारे धर्म के साथ, हमारी सभ्यताओं के साथ, हमारे चरित्र के साथ कैसा मजाक बनाया जा रहा है। चर्चाएं चल रही है, बहुत अच्छा चल रहा होगा, चर्चा सुनने में अच्छा लग रहा होगा कुछ लोगों का, कुछ लोगों को फ़ायदा भी मिल रहा होगा जो लोग राजनीति करने वाले लोग हैं। पता नहीं सेंसर बोर्ड को कंट्रोल कौन कर रहा है, सेंसर बोर्ड आखिर क्या चाहता है? क्या उन पर राजनीतिक दबाव है? उस समाज में क्या दिखाना चाहते हैं? राजनीति से कहीं प्रभावित तो नहीं है? क्या जरूरत था हमारे सभ्यताओं से खिलवाड़ करने का? चरित्र जो दिखाया गया है आदि पुरुष में, इसका एपिसोड और एक रामानंद सागर जी का एपिसोड आप देखिएगा, थोड़ा सा मिलाइएगा उसको। एक प्रसंग हम बताना चाहेंगे, जब भगवान राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ बन जाते हैं तो बीच में वह नाव पर जब नदी पार करते हैं तो बांस के द्वारा बने हुए नाव का प्रयोग करते हैं। लक्ष्मण जी सहारे से लोगों को बैठाते हैं दोनों को और उसको बढ़ाया जाता है नदी में। तो उस समय का दोनों सीन देखिए, कपड़ा, भाषा, वो रामानंद सागर जी का एपिसोड जिसमें सीता जी का जो पहनावा होता है, घूंघट जो होता है सर पे जो रखा होता है, और इसमें देखिए क्या दिखाया गया है। मतलब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ जो हमारे आस्था का जो केंद्र है, आस्था से जुड़ी जो भी हमारे यहाँ रामायण है, महाभारत हैं, जो भी धर्मग्रंथ हैं, उस पर आधारित इस तरह का वीडियो मूवी लाना मतलब क्या प्रदर्शित करता है? कुछ दिनों से जो मजाक बनाया जा रहा है हमारे आस्था पर, जो खिलवाड़ हो रहा है, जो चोट दिया जा रहा है, आने वाले समय में लोग जो आस्था, जिस आस्था से लोग देखते हैं, जिनके मन में, जिनके प्रति आस्था है, क्या हासिल होगा आने वाले समयों में? और कब तक राजनीतिक फायदा के लिए इस तरह से हमारे यहाँ हर चीज़ों को यूज़ किया जाएगा? कम से कम व्यक्ति को शांति से रहने के लिए, उसकी आस्था के साथ, अरे इन सब चीज़ों से खिलवाड़ मत करो यार। आदि पुरुष में जो चीज़ें दिखाई गई है, क्या है मनोरंजन का वस्तु है? क्या मनोरंजन के लिए इसको दिखाया गया है? जो रामानंद सागर की जो एपिसोड दिखाया गया रामायण का, जो वो देखिए और इसको देखिए, वो देखने पर महसूस ही नहीं होता कि हम सच में कोई एपिसोड किसी तरह प्रदर्शित, कोई व्यक्ति इसको प्रदर्शित किया है। उन्होंने रामानंद सागर के द्वारा जो आस्था हम लोगों के मन में, जो हृदय में छोड़ा गया है, बहुत ही अतुलनीय है। और ये जो एपिसोड लाया गया है, अगर आप मनोरंजन के व्यू से लाए हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारे धर्म के साथ, हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ हो, मनोरंजन हो, कॉमेंट हो, तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। जिस तरह से देखा जा रहा है आने वाले समयों में, जिस तरह से लोग प्रदर्शित कर रहे हैं हर चीज़ को, किसी भी क्षेत्र की बात हो, हर क्षेत्र में जो अश्लीलता देखी जा रही है आने वाले समयों में, यह परेशानी किसी और के लिए नहीं, हम लोगों के लिए ही होगा। सभी लोगों से रिक्वेस्ट होगा, देखने वाले लोगों से, आप देखते जरूर हैं हर चीज़ को, समझिएगा, आप पढ़े लिखे लोग हैं, कि यह कितना सही है और हमारे नई पीढ़ियों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए यह कितना सही हो सकता है, हमारे जीवन में कितना पारदर्शी हो सकता है, मतलब कितना हमारे जीवन में एक अच्छे वातावरण, एक नए समाज में, एक नए सभ्यताओं, संस्कृतियों से कितना जुड़ा हुआ है। इन सब चीज़ों पर आप गौर कर सकते हैं। आदि पुरुष जो फिल्म लाया गया है, जो मूवी लाया गया है, उस पर इतना ही कहना चाहेंगे कि कृपया करके हमारे धर्म के साथ मजाक नहीं करें, आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। पता नहीं इन सब चीज़ों पे, सेंसर बोर्ड पे कैसा दबाव, किससे कंट्रोल किया जा रहा है, किन लोगों के हाथों में ये सब चीज़ें चल रही है, सरकार भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हम लोगों के लिए। सभ्यताओं से, संस्कृतियों से और आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। पुनः आप सब लोग से रिक्वेस्ट है, आप उन्हीं चीज़ों को देखें जो आपके सभ्यता से, आपके संस्कृति से, आने वाले समय में आपके बाल बच्चों के लिए, आपके जीवन के लिए सही हो। आप सुकून से ज़िंदगी जिएं, आपके पक्ष में हो, आपके लिए हो,
आप देखते रहिए बिहारी कलम। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।